Hello and welcome to Mint Talk India. Today we are going to study NCERT Class 5th EV Chapter 10 Walls Tell Stories. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे देश के एक बहुत ही खूबसूरत फोर्ट गोलकोंडा फोर्ट के बारे में. गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे है? यह है हमारा प्यारा भारत और हमारे देश के राज्य तेलंगाना के कैपिटल हैदराबाद में है गोलकोंडा फोर्ट. तो चलिए देखते हैं कि कुछ बच्चे गोलकोंडा फोर्ट जाके क्या बातें कर रहे हैं. Reached Golconda. At last we reached Golconda Fort. We were glad that Didi was with us. Didi studies history and we enjoy visiting different places here. कुछ बच्चे अपनी दीदी के साथ गोलकोंडा फोर्ट घूमने आए हैं. दीदी हिस्ट्री पढ़ती है. हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, यानी कि अतीत की घटनाओं को जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके बारे में और जानते हैं उन्हें हिस्ट्री के स्टूडेंट कहा जाता है, और अतीत के बारे में पढ़ने को कहते हैं हिस्ट्री. तो दीदी हिस्ट्री की स्टूडेंट है और वो सभी बच्चों को गोलकोंडा फोर्ट घुमाने लाई है. शैलजा इज टेलिंग, माय गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज, ये किला कितना बड़ा है. श्रीधर बोल रहा है, एंड सी एट व्हाट अ हाइट इट इज बिल्ट, और देखो ये कितनी ऊंचाई पर बनाया गया है. कल्याणी बोल रही है, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट, क्या तुमने कभी इतना बड़ा गेट देखा है. शैलजा कह रही है, इट मस्ट बी वेरी हैवी, जरूर ये बहुत ही भारी होगा. और मैं ये सोच रही हूँ कि इतने हैवी और बड़े गेट को खोलने और बंद करने के लिए कितने लोगों को धक्का लगाना पड़ता होगा. देन कल्याणी सेड, लुक एट दी शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर वाई वर दे मेड, गेट में इस तरीके के शार्प आयरन स्पोक्स को क्यों बनाया गया हुआ होगा. शैलजा बोलती है, लुक एट दीज थिक वॉल्स टू, इस किले के दीवार भी कितने बड़े बड़े और मोटे हैं. श्रीधर बोल रहा है, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स, इस किले के दरवाजे इतने बड़े भारी मेटल के बने हुए हैं और दीवार भी एकदम भारी भरकम मोटे मोटे बने हुए हैं. कल्याणी बोलती है, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप, आई वॉन्डर वाई. कल्याणी बोलती है कि दीवार के कुछ कुछ हिस्सों में कुछ राउंड राउंड शेप के हिस्से बाहर की तरफ आए हुए हैं, और मैं सोच रही हूँ कि इस तरीके के स्ट्रक्चर क्यों बनाए हुए होंगे. दीदी बोलती है, दीज आर कॉल्ड बैस्टियंस, इनको इंग्लिश में बैस्टियंस या फिर हिंदी में बुर्ज कहा जाता है. सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल्स, और ये दीवार के एकदम ऊपर ऊपर बनाया जाता है. द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज 87 बैस्टियंस, गोलकोंडा फोर्ट एक हिल की ऊंचाई पर बनाया गया था, और इस किले की खासियत ये है कि ऊंचाई होने की वजह से यहाँ के जो सिपाही थे वो बहुत ही मुस्तैदी से अपने किले की रक्षा किया करते थे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर किला बनाने का फायदा ये होता है कि हमें ऊपर से बहुत सारा एरिया एक साथ नजर आता है. तो उस जमाने में अगर इस किले के आसपास कोई दुश्मन आ रहा होता था तो सिपाहियों को बहुत दूर से वो पता चल जाता था, वो उनको दिखाई दे जाता था. नाउ थिंक एंड टेल मी, व्हाई वर दिस बैस्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल, इस तरीके के बुर्ज या फिर बैस्टियंस किले की दीवारों पर क्यों बनाए हुए होंगे. दे वर मेड टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट, व्हाई वर बिग होल्स मेड इन देम, बिग होल्स वर मेड इन देम टू इंक्रीज द व्यूइंग एरिया, ताकि सिपाही एक समय पे बहुत सारा एरिया को देख सके, इसीलिए इतने बड़े बड़े होल्स बनाए गए थे. सोल्जर्स कुड लुक थ्रू दीज होल्स एंड कुड कीप अ बेटर विजिलेंस, सिपाही इस होल्स के जरिए बहुत दूर दूर तक देख पाते थे और दुश्मनों से अपने किले की रक्षा कर पाते थे. व्हाट डिफरेंस वुड बी देयर इफ यू वर टू लुक फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल और अ बैस्टियन एट ए हाइट, अगर आप एक फ्लैट दीवार में बने हुए एक होल के जरिए बाहर देखे और इस तरीके की बैस्टियन से बाहर देखे, तो इन तरीके क्या डिफरेंस होगा. बैस्टियंस एंश्योर्ड बेटर सेफ्टी टू द सोल्जर्स एंड इट ऑल्सो प्रोवाइडेड अ बेटर विजिलेंट पॉइंट फ्रॉम वेयर अ लार्जर एरिया कुड बी सीन, इस तरीके के बैस्टियंस से सोल्जर्स लोगों को बहुत ही दूर दूर तक देखने में मदद मिल जाती थी, जो कि एक फ्लैट वॉल में सिर्फ एक होल के जरिए देख पाना मुश्किल होता था. व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट, तो चलिए किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किले के अंदर दीदी और बच्चों को क्या क्या मिला. शैलजा बोलती है, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, मैं सोचती हूँ कि ये किला कितना पुराना होगा. डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हियर, क्या तुम्हें लगता है कि राजा जी ने ये किला इसलिए बनाया था ताकि वो यहाँ पे रह सके. कल्याणी बोलती है, इट इज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हियर वन आफ्टर अनदर, गोलकोंडा फोर्ट को बनाने का श्रेय मोहम्मद कुली कुतुब शाह को जाता है.
जिन्होंने गोलकोंडा फोर्ट को एकदम सुंदर से बनवाया था। वैसे तो ये फोर्ट 1200 सदी में ही बनना शुरू हो गया था, लेकिन उस समय ये फोर्ट मिट्टी का बना हुआ था। उसके बाद जब कुली कुतुब शाह आए तो उन्होंने इस किले को और बढ़ाया और सुंदर तरीके से बनाया, लोहे के गेट्स लगाए और अपने राज्य को और फैलाया। और उसके बाद इनके परिवार में जब एक के बाद एक राजा बनते गए, वो इस किले पे राज करने लगे। श्रीधर बोलता है, दिस मैप शोज सो मेनी गार्डन्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज। ये मैप हमें ये दिखाता है कि किले के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे खेत भी हैं, बहुत सारे बगीचे भी हैं और बहुत सारे कारखाने भी हैं, जो हमें ये बताता है कि यहाँ पे सिर्फ राजा जी ही नहीं रहते थे, उनकी पूरी प्रजा भी रहती थी, जो अलग अलग काम किया करते थे। किसान, काम करने वाले, खेती करने वाले और इस तरीके के बहुत अलग अलग लोग भी रहा करते थे। कल्याणी बोलती है, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। ये तो पूरा शहर लगता है। सारे बच्चे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। These steps seems to go on and on. Shailja says, even in those days, they used to have buildings with two floors. कि अरे आज के जमाने में अगर हम बिल्डिंग की एक मंजिला, दो मंजिला बनाने लगे तो हमें बुलडोजर, क्रेन और ना जाने कितने कितने मशीन्स का यूज करना होता है। लेकिन उस जमाने में भी बिना इस तरीके के किन्हीं औजार और या फिर मशीन से ये लोग कितने आसानी से इतने ऊपर दो मंजिला इमारतें बना सकते थे। कल्याणी बोलती है, बट नाउ द बिल्डिंग्स इज इन रुइंस। रुइंस मतलब व्हेन समथिंग गेट्स डिस्ट्रॉयड, जब कुछ बर्बाद होने लगता है। जैसे कि गोलकोंडा का किला, वो भी आजकल धीरे धीरे थोड़ा बर्बाद होने लगा है। श्रीधर बोलता है, लुक एट दिस ब्यूटिफुल कार्विंग्स ऑन द वॉल, इट इज सो फाइन। कार्विंग्स मतलब नक्काशी जो कि गोलकोंडा फोर्ट के दीवारों पर बनाई गई है। ये इतनी फाइन है, इतनी महीन है कि जिसे बनाने में कई साल लग गए होंगे और ये दिखने में कितनी खूबसूरत लगती है। और जाहिर सी बात है, इस तरीके के खूबसूरत नक्काशी को बनाने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, क्योंकि उस जमाने में मशीन्स और इलेक्ट्रिसिटी तो होगा नहीं। कल्याणी बोलती है, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन द रूफ। दीदी कहती है कि हाँ, उस जमाने में बड़े बड़े टैंक्स और फव्वारे भी हुआ करते थे, और फव्वारे सिर्फ घर के बगीचे में ही नहीं, घर के अंदर भी हुआ करते थे। और इन फव्वारों में पानी कहाँ कहाँ से आता था, बड़े बड़े रिजर्वायर से या फिर बड़े बड़े टैंक में पानी भर के रखा जाता था, वहीं से इन फव्वारों में पानी आता था। थिंक एंड डिस्कस, हाउ वुड द फाउंटेन हैव फाउंटेन्स वुड हैव गॉट वाटर सप्लाई फ्रॉम अ लार्ज रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है, वो जगह जहाँ पे बहुत सारा पानी जमा करके रखा जाता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो। वॉट अरेंजमेंट्स वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट। किले के अंदर हवा और रोशनी को आने के लिए क्या व्यवस्था की गई होगी, तो जरूर किले के अंदर वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था की गई होगी। वेंटिलेशन क्या होता है, जो घर की दीवार के ऊपर छेद छेद या फिर जालीदार स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ताकि घर के अंदर रोशनी आए, हवा आए। ऐसे ही कई तरीके की चीजें आपको किलों के दीवारों पर नजर आएगी। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन द वॉल। वॉट काइंड ऑफ टूल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर सच फाइन कार्विंग। इस तरीके की महीन नक्काशी को करने के लिए हैमर और चेजल का इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स लर्न अबाउट ईस्ट और वेस्ट। हम दिशा का ज्ञान कैसे करेंगे। सूरज उगता है पूर्व दिशा से, जिसे कहते हैं ईस्ट। अगर हम पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, मतलब जहां से सूरज उग रहा है, हम सूरज के उगने की दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, तो हमारे लेफ्ट साइड में होगा नॉर्थ यानी कि उत्तर, हमारे राइट साइड में होगा साउथ यानी कि दक्षिण, और हमारे पीछे की तरफ होगा वेस्ट साइड यानी कि पश्चिम दिशा। नाउ यू हैव टू स्टडी द मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट एंड यू हैव टू आंसर सम फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये है गोलकोंडा फोर्ट का एक मैप, जहाँ पे दिशाएं दी गई हैं, जैसे ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। इफ यू पीप इनसाइड फ्रॉम बोडली दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज कटोरा होज। अगर आप बोडली दरवाजा से अंदर झांक रहे हैं तो कटोरा होज आपके किस दिशा में होगा। तो ये है बोडली दरवाजा और ये है कटोरा होज। अगर आप बोडली दरवाजे से झांक रहे हैं तो कटोरा होज आपके नॉर्थ में होगा यानी कि उत्तर दिशा में। कटोरा होज विल बी इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज कटोरा होज। अगर कोई बंजारा दरवाजा से झांक रहा है तो कटोरा हाउस कहाँ होगा, बंजारा दरवाजा से कटोरा हाउस साउथ की तरफ है। सो कटोरा हाउस विल बी इन साउथ डायरेक्शन फ्रॉम बंजारा दरवाजा।
Number C, in which direction you will walk from Bala Hisar to reach Moti Mahal? ये है बाला हिसार और ये है मोती महल। अगर आपको बाला हिसार से मोती महल की तरफ जाना है तो आप किस तरफ वॉकिंग करेंगे? हम इस तरफ यानी कि ईस्ट दिशा में वॉकिंग करेंगे। We will walk to the east direction. How many gates can you see on the outer walls of the fort? You can see 9 gates. Count how many palaces are there in the fort? इस किले में कितने महल हैं? इस किले में 3 महल हैं। मोती महल, महल तारामती और शाही महल। What arrangements of water can you see inside the fort? For example, well, tanks and stepwell. इस किले के अंदर पानी के लिए क्या व्यवस्था देखी है आपने? There are 5 bowlies and 2 hose for water. तो बाउली तो आपको पता ही है, बाउली का मतलब स्टेपवेल, जहाँ पे बारिश का पानी जमा किया जाता था। तो यहाँ पे है 1, 2, 3, 4 और 5 बाउली और 1 और 2 हॉज। ऑन द मैप 1 centimeter distance is equal to a distance of 110 meters on the ground. इस मैप में 1 centimeter की लाइन का मतलब है 110 मीटर। तो अभी बताइए इस मैप को देख के, what is the distance between बाला हिसार and फतेह दरवाजा? तो आप अपने स्केल से बाला हिसार से फतेह दरवाजा का डिस्टेंस मापिए, जो कि लगभग 8 centimeter के हिसाब से आएगा। तो आपको स्केल से मापने पर बाला हिसार से फतेह दरवाजा तक 8 centimeter जितना आएगा। अगर 1 centimeter का मतलब 110 मीटर्स हुआ तो फिर 8 centimeter का मतलब 880 मीटर्स होगा। उसी तरह आप मकई दरवाजा और फतेह दरवाजा के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। Why these attacks? उस जमाने में राजा महाराजा भी अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, अपने राज्य को और बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर अटैक किया करते थे और एक दूसरे के राज्य को कब्जा कर लिया करते थे। उसी तरह औरंगजेब भी आया था गोलकोंडा फोर्ट पर अपना कब्जा करने, और औरंगजेब के पास इस तरीके के बड़े बड़े तोप हुआ करते थे। इस तोप को कहते हैं इंग्लिश में कैनन, और इन कैनन्स में इस तरीके के बड़े बड़े हथगोले इस्तेमाल किए जाते थे जो कि मेटल के बने हुए होते थे। सोचिए तो ये गोले कितने तबाही मचाते थे जब वो किसी के ऊपर हमला करते थे। औरंगजेब यहाँ पे अपनी पूरी सेना के साथ आया था अटैक करने, लेकिन वो इस किले के अंदर घुस भी नहीं पाया। पता है ऐसा क्यों? औरंगजेब के पास इतने बड़े बड़े तोप होने के बावजूद भी वो किले के दीवार के अंदर क्यों नहीं आ पाया होगा? शैलजा बोली, क्या तुमने इतने बड़े बड़े मोटे मोटे दीवार और गेट नहीं देखा? इस तरीके की मोटी दीवार और बड़े बड़े गेट को तोड़कर अंदर आना क्या आसान काम है? इन द मैप वी ऑल्सो सॉ देयर इज अ लॉन्ग डीप डिच अलोंग द वॉल। हाउ कुड द आर्मी एंटर? मैप में हमने ये भी देखा कि किले के आसपास एक गहरी खाई बनाई गई थी। किले के अंदर के लोग एक पुल के जरिए बाहर आना जाना करते थे, लेकिन अगर बाहर से कोई दुश्मन आके हमला करता था तो वो किले के अंदर तक नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि इतने गहरे खाई को पार करके जाना इतना आसान काम भी नहीं था। श्रीधर ने कहा, उसी तरह औरंगजेब की आर्मी ने भी किले के कई अलग अलग दिशा से अंदर आने का कोशिश किया, लेकिन वो लोग किले के अंदर नहीं आ पाए। श्रीधर कहता है, गन्स एंड कैनन्स आर द थिंग्स ऑफ पास्ट नाउ। इस तरीके के तोप तो अभी पुराने जमाने के हो गए हैं। आजकल की दुनिया में तो अलग अलग कंट्रीज जब एक दूसरे पे अटैक करती हैं तो वो बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक दूसरे के ऊपर डालती हैं, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। क्या तुमने रिसेंटली न्यूज़पेपर में या फिर टीवी न्यूज में ऐसी कोई खबर पढ़ी है जिसमें एक देश ने किसी और देश पे हमला किया हो? फाइंड आउट व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस वॉर एंड आल्सो व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वर यूज्ड इन दिस वॉर। आजकल जब देश एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो बहुत मॉडर्न तरीके के फाइटर प्लेन्स, टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स, मशीन गन्स, मिसाइल्स और बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस? और जब देश इतने खतरनाक तरीके के हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत सारी जिंदगी बर्बाद होती है और प्रॉपर्टी भी बर्बाद होती है। हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं और उनके घर भी बर्बाद होते हैं। द बिग गन दैट श्रीधर सॉ वॉज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। जो बड़ी सी तोप श्रीधर ने देखी थी वो ब्रॉन्ज यानी कि पीतल से बनी हुई थी। क्या आपने भी पीतल का कोई सामान देखा है? कहाँ? तो आपने अक्सर इस तरीके के पीतल के सामान अपने पूजा घर में देखे होंगे। और मजे की बात यह है कि पीतल या फिर ब्रॉन्ज एक तरीके का मेटल नहीं होता, वो दो अलग अलग मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है, जैसे टीन मेटल और कॉपर मेटल। इन दो मेटल्स को आग में मेल्ट करके मिक्स करके जो मेटल बनता है उसे हम ब्रॉन्ज कहते हैं या फिर पीतल कहते हैं। आज से हजारों साल पहले लोग इसी तरीके के ब्रॉन्ज के सामान यूज किया करते थे। कितना मुश्किल होता होगा उन्हें पिघलाना
और पिघलाकर इतने सुंदर सुंदर सामान बनाना। आप भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि उनके जमाने में पीतल से बने हुए और क्या क्या सामान इस्तेमाल किए जाते थे। अरेंजमेंट्स ऑफ वाटर। कैन यू थिंक वाई द बुलक्स हैव बीन यूज्ड हियर? यहाँ पे ये बैल क्या कर रही हैं? जैसे जैसे ये बैल घूमते हैं वैसे ही ये चक्का हिलता है और ये वाला चक्का भी घूमता है, और इस चक्के के घूमने से इस बड़े से सर्कल में जो बाल्टी अटैच की गई है उस बाल्टी से पानी रिजर्वायर से चढ़ाया जाता है ऊपर, और फिर जब ये बाल्टी उलट जाती है तब इस जगह पे ये पानी जमा होकर आगे बहने लगता है। उस जमाने के लोग इस तरीके के अरेंजमेंट्स किया करते थे, वाटर रिजर्वायर या फिर नदियों से नालों से पानी निकाल कर नहरों में भेजने के लिए। है ना कितना मजेदार मेथड। उसी तरीके से किले के अंदर भी पानी जाने आने के लिए बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था की गई थी। इधर किले के दीवारों में आप छोटे छोटे होल्स देख सकते हो जो कि एक तरीके के पाइपलाइंस हैं। जैसे आज हमारे घरों में पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है पानी को एक जगह से दूसरे जगह बहा के लेके जाने के लिए। नाउ डू यू गेट सम आइडिया अबाउट हाउ द टैंक्स कुड हैव बीन फिल्ड बाय लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। और इसी तरीके से वाटर रिजर्वायर में से पानी को निकाल कर ऊपर फव्वारों तक पहुंचाया जाता था। व्हाट अ सैड साइट, टॉकिंग विसलिंग एंड लिसनिंग टू आवर ओन इकोस वी वेर वॉकिंग थ्रू द मेहराब या फिर आर्च। श्रीधर ने बोला, ओ द ब्रीज फील सो कूल इन द टनल। इस किले के अंदर एक छोटी सी सुरंग के नीचे से जाने के टाइम पे कितनी ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। शैलजा बोलती है, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर स्टेड हियर। उस जमाने में राजा के जो सिपाही लोग हुआ करते थे वो इसी तरीके के टनल्स में आराम किया करते थे। श्रीधर बोलता है, सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक। देखो यहाँ पे एक बोर्ड है जहाँ पे लिखा है कि राइटिंग ऑन द वॉल्स इज प्रोहिबिटेड, दीवार पर लिखना मना है, फिर भी लोगों ने लिख लिख कर इस दीवार को कितना गंदा बना दिया है। चलिए अब हम म्यूजियम की तरफ चलते हैं। आफ्टर सीइंग गोलकोंडा फोर्ट द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू द म्यूजियम इन हैदराबाद। गोलकोंडा फोर्ट को देखने के बाद बच्चे म्यूजियम देखने गए। म्यूजियम वो जगह होती है जहाँ पे पुरानी पुरानी चीजों को इकट्ठा करके रखा जाता है जो देखने में तो टूटी फूटी लगती है, लेकिन इन चीज़ों को देख के हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है कि उस जमाने में लोग किस तरीके का सामान यूज करते थे। जैसे आज के जमाने में हम 1 रुपी कॉइन 2 रुपी कॉइन यूज किया करते हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा ने जरूर 50 पैसा या फिर 10 पैसा का कॉइन भी यूज किया होगा, जो अगर कभी आपको दिख जाए तो वो बहुत ही मजेदार और बड़ी बात होगी। दीदी बोलती है, इट इज थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव्ड, कि हमें इन टूटे फूटे सामान के जरिए ही तो पता चलता है कि उस जमाने में लोग कैसे रहा करते थे और क्या क्या सामान इस्तेमाल किया करते थे। आपके घर के आसपास भी किस तरीके के पॉट्स यूज होते हैं? आप भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछिए कि उनके जमाने में किस तरीके के पॉट्स या फिर पैंस यूज किया जाता था। क्या आपने भी कभी किसी म्यूजियम के बारे में सुना है या फिर देखा है? आपने उस म्यूजियम में क्या क्या देखा था? तो आपके लिए भी है एक एक्टिविटी, आपको अपने घर के आसपास किसी भी पुरानी बिल्डिंग या फिर किसी मॉन्यूमेंट के पास जाना है और उसके बारे में सर्वे करना है। सर्वे मतलब उस जगह के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना, जैसे उस जगह को किसने बनाया था, उस जगह की देखभाल अभी कौन करता है, वो जगह या फिर वो बिल्डिंग कितना पुराना है, इस तरीके के कई सारे प्रश्न। मेक योर ओन म्यूजियम, आप भी अपना खुद का म्यूजियम बना सकते हैं अपने मम्मी पापा से पूछकर, उनके जमाने के कई छोटे बड़े टूटे फूटे सामान को इकट्ठा करके एक छोटा सा म्यूजियम बना सकते हैं। उसी तरीके का एक म्यूजियम रजनी मैडम ने केरला के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट स्कूल में बनाया था। रजनी मैडम ने अपने क्लास के बच्चों के साथ मिलके बहुत सारे पुराने पुराने सामानों को इकट्ठा किया था, जैसे पुरानी वॉकिंग स्टिक्स, पुराने ताला चाबी या फिर पुरानी छतरियां। ये सब चीजें पुरानी तो जरूर होती हैं, लेकिन हमें बहुत सारा नया ज्ञान भी देती हैं कि पुराने जमाने में लोग किस तरीके का सामान इस्तेमाल किया करते थे। सो व्हाट हैव वी लर्न्ड इन दिस चैप्टर। संगीता सोचती है कि पुराने सामानों को संभाल करके रखना एकदम बेकार बात है। आप उन्हें कैसे मनाओगे कि नहीं, म्यूजियम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। म्यूजियम हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनमें रखी हुई सामानों को देखकर, उनके बारे में पढ़कर ही तो हमें पता चलता है कि पुराने जमाने में लोग कैसे रहा करते थे, कैसे अलग अलग सामानों का इस्तेमाल किया करते थे। व्हाई डू यू थिंक द चैप्टर इज नेम्ड वॉल्स टेल स्टोरीज। आपको क्यों लगता है इस चैप्टर का शीर्षक ऐसा क्यों है कि दीवारें कहानियां बताती हैं?
क्योंकि इसी तरीके के बिल्डिंग और दीवारों को देखकर ही हम गेस लगा सकते हैं कि आज से 100 साल पहले राजा रानियां किस तरीके के जगहों में रखा करते थे और उनकी कहानी कैसी रही होगी। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर। होप यू लाइक इट। द लिंक फॉर द वर्कबुक सॉल्यूशंस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट। वी विल मीट वेरी सून विद द सॉल्यूशन ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.